Hello friends, this is Sangam Puri and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about tablet Zero Grain Plus. So friends, without wasting any more time, let's start the video. Friends, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट जीरो ग्रेन प्लस या जीरो ग्रेन प्लस टैबलेट। फ्रेंड्स, जीरो ग्रेन प्लस टैबलेट एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हेवी हेडेक को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेवी हेडेक कहने का अर्थ हो रहा है कि हमारा सर दर्द नॉर्मल से ज्यादा कर रहा हो, बहुत ज्यादा कर रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का यहाँ पे अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसको डॉक्टर जब तक प्रेस्क्रिप्शन पे प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गए हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनाल्जेसिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एनाल्जेसिक कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो पेन को कम करे, पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करे, दर्द और दर्द को ठीक है कम करने का काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। एनाल्जेसिक को आप दूसरे शब्दों में समझ लो पेन किलर, आपको आसानी से समझ। पेन किलर मतलब क्या, जो पेन को किल करता हो, पेन किलर। तो सिंपली ये समझो कि वैसा मेडिसिन जो पेन को कम करने का काम करे, पेन को किल करने का काम करे, वैसे उसे एनाल्जेसिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं, या तो उसी को दूसरे शब्दों में, एनाल्जेसिक को ही दूसरे शब्दों में पेन किलर कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आपकी एनाल्जेसिक कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सजदा भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को, जीरो ग्रीन प्लस को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में 60 से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया और कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जीरो ग्रेन प्लस जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और तीनों का जो अमाउंट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का, वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है इसमें फ्लू नैरिजिन इसमें 5 मिलीग्राम पाया जाता है। सेकेंड है डोम पेरिडन इसमें 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फिर थर्ड है पैरासीटामोल नंबर थर्ड है वो इसमें 325 मिलीग्राम पाया जाता है। और ये तीनों मिलकर, ठीक है, हेडेक को ठीक करने का काम करता है, माइग्रेन को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और तीनों का अमाउंट क्या होगा, अलग अलग अमाउंट रहेगा, इस बात को याद रखें। नंबर वन मैंने बताया फ्लूनेरिजिन 5 मिलीग्राम, डोम पेरिडोन 10 मिलीग्राम और पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं या कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर वन इसे ट्रीटमेंट ऑफ हेवी हेडेक, कि अगर किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है, ठीक है, सुई की तरफ चुभ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, कि इसका इस्तेमाल माइग्रेन भी एक प्रकार का हेडेक होता है, जो जिसको आधा सर आप बोल सकते हो दर्द करना, चाहे वो लेफ्ट हो सकता है चाहे राइट हो सकता है। मतलब माइग्रेन एक ऐसा डिजीज है, ठीक है, ब्रेन का डिजीज है जिसमें सर दर्द होता है,
पेन ओवर कह सकते हो, ठीक है, लेफ्ट या राइट टेम्पोरल रीजन, कि लेफ्ट या राइट में चाहे ये इधर दर्द करेगा या ये इधर दर्द करते रहेगा, मतलब आधा सर दर्द करते रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। तो माइग्रेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, थोड़ा समझा दूं, हिंट्स दे दूं कि माइग्रेन कैसे पकड़ोगे आप। माइग्रेन कि माइग्रेन का एक सिम्टम होता है जी, कि जैसे ही आप लाइट में जाओगे या साउंड में, तो उसमें और ज्यादा दर्द बढ़ता है और माइग्रेन के दर्द में इंसान काम नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा। तो इस बात को, ये हेडेक एक जनरली चीज होता है जिसमें लोग काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और लाइट वगैरह में उसको डर भी नहीं लगता, साउंड में डर नहीं लगता है। लेकिन माइग्रेन में होता क्या कि अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन हो रखा है तो उसको देखिएगा लाइट पे ताकने से डर लगेगा, ठीक है, फिर आपको साउंड से उसको डर लगेगा और उस परिस्थिति में पेशेंट काम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यही माइग्रेन और हेडेक में अंतर होता है, इस बात को बखूबी याद रखें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइग्रेन क्या होता है और हेडेक क्या होता है। मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया, कभी इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, कि माइग्रेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, या तो आप कह सकते हो प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन अटैक, या माइग्रेन का जो अटैक बार बार आने वाला हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बचाव के लिए, माइग्रेन से बचाव के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक और ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन या प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, इन तीनों जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इसमें तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो तीनों अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन ये वर्क करेगा माइग्रेन के लिए, क्या कि माइग्रेन के दर्द को कम करने के लिए वर्क करेगा। नंबर वन है इसमें फ्लुनेरिजिन, फ्लुनेरिजिन के बारे में पहले समझते हैं। फ्लुनेरिजिन 5 मिलीग्राम, ये क्या एक तरह का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कि कैल्शियम जो हमारा जो हार्ट जो मसल होता है उसमें अगर कैल्शियम जाने लगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बीपी है, ठीक है, वो बढ़ने लगेगा, क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और ये बीपी जैसे ही बढ़ेगा सर दर्द होना शुरू करेगा। तो समझिए कि फ्लुनेरिजिन क्या होता है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो कैल्शियम को जाने नहीं देता है, और ये क्या करता है कि हमारा जो ब्लड वेसल होता है ब्रेन का, वो जो नैरो होता है उसको ये डायलेट करता है, क्या करता है, चौड़ा करता है, ताकि दर्द कम हो जाए। तो सिंपली समझना कि फ्लुनेरिजिन क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है और इट डायलेट्स द ब्लड वेसल इन द ब्रेन, कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, नस होते हैं, ठीक है, उसको ये चौड़ा करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, दर्द कम जाता है। फिर कहते हैं डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन क्या होता है, तरह का एंटी इमेटिक कैटेगरी होता है, एंटी इमेटिक मेडिसिन, मतलब जो नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करे। अब जाहिर सी बात है, अगर सर दर्द करेगा तो वोमिटिंग करने का मन करेगा। तो इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है, बड़ा सिंपल शानदार तरीके से काम करता है। कहते हैं दिस स्टॉप्स द केमिकल मैसेंजर डोपामिन, ये केमिकल मैसेंजर जो डोपामिन होता है उसके रिलीज को, एक्सेसिव रिलीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे ब्रेन को ये सिग्नल ना जाए कि हमको नोजिया वोमिटिंग टाइप का मूड हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये डोपामिन जो केमिकल मैसेंजर होता है, इसके एक्सेसिव रिलीज को स्टॉप करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे कारण हमें नोजिया वोमिटिंग का एहसास नहीं होता, कहाँ, इन द ब्रेन, लेकिन दिमाग में। अब फिर बात करते हैं लास्ट है हमारा पैरासिटामोल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक भी होता है और एनाल्जेसिक भी होता है, कि एनाल्जेसिक का प्रॉपर्टीज भी इसमें पाया जाता है। ये क्या करता है कि पैरासिटामोल ये दर्द को कम करने का काम करता है, रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द को कम करने का काम करता है, और ये एंटीपायरेटिक भी है, कि माइग्रेन के दर्द के कारण अगर बुखार भी आ रहा है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा। तो बस ये तीनों मिलके इस तरीके से काम करता है, और ये तीनों इस तरीके से काम करता है कि हेडेक का दर्द या माइग्रेन का दर्द क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन आपको मैंने शानदार तरीके से समझाया और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कंट्रोल इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्रोल इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, की बिना कंट्रोल इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कंट्रोल इंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली, तो उस स्त्री को आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे सुटेबल डोज इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में, इसका कंट्रोल इंडिकेशन क्या होता है, 0 ग्रेन प्लस टैबलेट का। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता ही है, ठीक है, उसी प्रकार से इसका कुछ साइड इफेक्ट्स है, जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है
ड्राउजीनेस आपको क्या होगा, आलस टाइप का है, क्या आलस टाइप का है, लगेगा कि नींद आ रहा है, ठीक है। फिर ड्राई माउथ हो सकता है, आपका मुंह जो है वो सूखा सूखा रहेगा। फिर कहते हैं स्टमक पेन हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकल ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है और इस तरह का साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है फ्रेंड्स। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जीरो ग्रेन प्लस टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं next video में। तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। Thank you. धन्यवाद।